दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट चाहिए और आपको अपने ब्रांच में जाना पड़ता है और वहां से आपको एप्लीकेशन देने के बाद से आपको मिनी स्टेटमेंट आपको दिया जाता है और दोस्तों उसको वहां पे बैंक में आपका उसका चार्ज भी आपको पे करना पड़ता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे अपने भारतीय स्टेट बैंक का जो मिनी स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप दोस्तों अपने नजदीकी कहीं भी साइबर कैफे पे जाके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर उस स्टेटमेंट को अगर आपको कहीं सेंड करना है तो आप उसको अपने मोबाइल से ही उसको ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से अगर आप चाहें सेंड करना उसको सेंड कर सकते हैं। तो वही दोस्तों अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप ऑनलाइन भारतीय स्टेट बैंक का मिनी स्टेटमेंट अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, SBI योनो ऐप। दोस्तों ये एप्लीकेशन मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको सिर्फ ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको इसमें यूजर आईडी पासवर्ड बनाना रहता है जिसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है और दोस्तों उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आप डायरेक्ट उसको वहां से ओपन करके और दोस्तों आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड उसे देख के बना सकते हैं। दोस्तों यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के बाद से आपको यहाँ पे आपको आपका 6 अंक का जो पिन है वो यहाँ पे आपको एंटर करना रहेगा। तो आइए दोस्तों मैं अपना 6 अंक का पिन यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। दोस्तों पिन एंटर करने के बाद से आपको कुछ समय वेट करना है। वेट करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको इस टाइप का आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको अकाउंट्स पे क्लिक कर देना है। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको जो अमाउंट दिख रहा है इस अमाउंट के आगे एक आपको एरो दिख रहा है, इस एरो पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये आपका सारा यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट आपको दिखने लगेगा। अब दोस्तों इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो एक स्टेट बैंक का ये जो सिंबल बना हुआ है इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है। अभी दोस्तों आप यहां पे आपको कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए कहेगा, आप इसको अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली इन योर स्टोरेज। अब दोस्तों यहां पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको लॉगआउट कर देना है। लॉगआउट करने के बाद से दोस्तों आपको अपने फाइल मैनेजर में चलना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अपने फाइल मैनेजर को यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब दोस्तों फाइल में आने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट, ये सबसे ऊपर वाला जो फाइल है ये वही फाइल है। अब इसको दोस्तों आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद से दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका पूरा डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो आप इसको कहीं भी साइबर कैफे पे जाके और आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आप इसको कहीं इस कॉपी को सेंड करना चाहते हैं तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और दोस्तों सेंड फाइल पे क्लिक करके और दोस्तों आप देख सकते हैं आप ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और दोस्तों आप इसको शेयर इट से भी किसी को फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतर तरीका है स्टेट बैंक का मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करने का। आप अपना घर बैठे अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।